स्लाइडिंग, बस इतना पॉइंट है ये, जितना कम बर्फ उतना कम फिसलता है। इनको लगते बेचारे को इधर यार पर रहे तक यार, हाँ है ना, एंट्री लेनी पड़ेगी। पर कितने रुपए हो सकता है, क्या लगता है आपको? हे बड़ी, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, यू आर वॉचिंग रस ब्लॉग्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड क्या बोलते, आज है संडे, आज हमने जाना था, ओ आज हमने प्लान बनाया था कहीं नहीं जाएंगे, रूम पे रहेंगे। मैं कहा वो रिटर्न वर्क है थोड़ा, मैं कहा वो करेंगे, तो सोचा फिर मैं कहा ब्लॉग रह गया मेरा शूट करने को, तो दैट्स व्हाई मैं कहा ब्लॉग के चक्कर में मैं फ्रेंड को के लिए आया, रूममेट्स को। तो और आज मौसम ख़राब है, पहले तो यहाँ से व्यू देखो यार गाइस, यहाँ से व्यू दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखो ये रहा व्यू, यू कैन सी। देखो अगर नेचर में प्लास्टिक ना फेंके ना और पेड़ उगाते रहे हम, तो देखो इस साइड देखो प्लास्टिक डाला कितना गंद लग रहा है, और पार्क को हम प्लास्टिक नहीं दिख रहे, तो देखो वाह व्हाट अ वंडरफुल व्यू। तो ये रहा अभी का व्यू, और देखो मौसम ख़राब है गाइस। कल आज है 18, कल 19 से ना मौसम ख़राब बता रहे, 19 से 23 या 24 तक, और बाकी पता नहीं, अगर क्या पता स्नो लग जाए, पर लगता तो नहीं कि बर्फ़ पड़ेगी, पर टेम्परेचर आज डाउन हुआ है, एकदम गर्म हुआ जैसे बर्फ़ पड़ने से पहले होता है ना, वो सब टेम्परेचर मौसम हो रखा है, तो मौसम ख़राब है। टैब नहीं हो, चलो तो ये रहा व्यू गाइस, शायद वे कि कल बर्फ़ पड़ जाए हो। अभी जा रहे हम कहीं घूमने, तो ब्लॉग में बने रहना। हमारा प्लान था कि संडे को कहीं नहीं जाएंगे, लिखेंगे और जो बोलते वो करते तो है नहीं हम कभी भी, और हम एंड नंबर वन है। एंड तो अभी जा रहे हम क्या बोलते कॉलेज से आके, वहाँ मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ। अभी बने रहो ब्लॉग में, अभी नहीं पता वहाँ है क्या, और जू है इतना पता है, पर अगर बने रहो, अगर जैसे जैसे होगा मैं ब्लॉग में आप लोगों को दिखाते रहूँगा। तो अभी रोड पे ज़्यादा शूट करना ठीक नहीं होता, अब गाड़ी की आवाज़ आती है तो ब्लॉग में कोई इंटरेस्टिंग नहीं बनता फिर। बाय गाइस, तो बड़े रहो अभी ब्लॉग में, मिलते आगे। हमने पहले बस में बैठे, किराया काटा, उसके बाद आज हम देखो पैसे खर्च करके जा रहे हैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में, और वहाँ से नीचे से राम मेन रास्ते जाने के लिए हमें बोला था, वहाँ मैंने शूट नहीं किया। और यहाँ से देखो आपको स्नो भी दिखती होनी, अब यहाँ टूरिस्ट बहुत बढ़ जाता है। यहाँ ऊपर जू है जो शिमला के चायल वाले रोड पर जाना पड़ता है आप लोगों को, अगर आप लोगों ने जाना है। तो ये देखो बर्फ़ है इधर भी, स्नो हल्की फल्की। तो हम जाते हैं, क्या टूरिस्ट तो मोटा चला हुआ भाई, सारी टैक्सी है और आउट ऑफ स्टेट की गाड़ियाँ, ये भी पंजाब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमारे को सफिशेंट हो रही है। नहीं भाई कितना कमा लेते उन्हें ये दिन में है ना, जूते जैकेट जुकेट, अरे ज़्यादा यार, टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है भाई। क्यों, अब मैं बोल रहा हूँ जू बोल रहे थे बंदे, मैंने तो देखा नहीं है कोई जू वगैरह है ऐसा कुछ। ये आ गया यार, मेरे को उनने बताया था फ्रेंड ने, बात अंदर थोड़ा जाना, हमने पैसा नहीं है भाई, पैसा तो नहीं है, शेर के पास भारी बाहर से। वाह इस साइड देखो वॉल की स्लाइडिंग, दिन को चला जाती है ना ये, रात को तो रहती है। जो भी मेरी ब्लॉग में आई भाई हमने देख रखी भाई, असली नारकंडा जाओ मैं बोलता रहा हूँ यार, यहाँ क्या बर्फ है। हाँ यार कुछ कुछ चीजें जो यह बोर्ड में लगे, सेल दो दो सौ रुपए आ जाएंगे 50 रुपए। वाह आप आए थे पहले कभी? वाह तो मैंने अभी गाइस वहाँ पे दिखाया नहीं, यहाँ पे हॉर्सेस थे बहुत सारे, वहाँ भी जाते बार दिखाऊंगा, बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो दैट्स व्हाई अभी जाते बार दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो जो इंडिया के ढाबे जिससे कि इंडिया की पहचान होती है, और बंदे बोलते जू मेरे को तो हमारे को तो दिखा नहीं। और देखो ये आपको 50-50 रुपये में मिल जाने जूते, जिससे कुछ ये तो ले जा सकते, और वर्दी है ये उसकी, साइड में चलो ना, बीच बीच में क्यों घुसे तुम बोला। और इधर को देख लो खाली है, ट्रीज उगाओ इनमें यार। एंड वो यहाँ जो जो पब्लिक भी है ना वो सारा आउट ऑफ स्टेट ज़्यादा, हिमाचल के बहुत ही कम देखे मैंने जहाँ तक मैंने देखे, क्योंकि वैसे गोल मटोल से पेट 10 किलो बाहर निकला वो आउट ऑफ हिमाचल की हो सकते, हिमाचल की इतनी गंदी बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, एंड और हिमाचल की इतनी अच्छी इंग्लिश की भी लैंग्वेज भी नहीं है, उनको यही नहीं पता कि
मॉर्निंग का बोल लीजिए, गुड आफ्टरनून का बोल लीजिए, शायद ये राजू है ना। यही तो है। पर हमने जू नहीं जाना, हम जाएंगे आगे और देखते क्या हम आगे तक जाएंगे क्या। वो ये देख लो, पर थंबनेल जरूर लगा दूंगा गाइस ताकि आपको लगे जू देखने गए थे। ये देखो नहीं है जू। नहीं है घोड़ा की, ये जो ये नॉनसेंस देखो सड़क पे खेल रहे, इनको पता नहीं गाड़ी आएगी इधर, व्हाट द हेल। यही मेरे को बात इंडिया की बहुत ख़राब लगती है गाइस। और इस बंदे को मैंने जाना पहचाना से लग रहा है। और एक शॉप खुली है, वाह व्हाट अ वंडरफुल हिमाचल वाइन शॉप है ये, वो यू कैन सी। और यहाँ बड़ी महंगी महंगी है, ये देखो वो क्या नाम है, और वो यार नहीं क्या दिश वो वाली ये जू मेन। यार गाइस सॉरी यार, हमने पहले बता दिया वो शॉप थी वही, तो मैं कहा जू के ऊपर शॉप कैसे हो सकती है। हाँ है ना, एंट्री लेनी पड़ेगी, पर कितने रुपए हो सकता है, क्या लगता है आपको भाभी। नहीं है यार, जूते के भी खर्च कर दिए वहाँ, और जूते लेने के लिए मेरे को पहले मांगने पड़ने किसी से। मैं कहा यार 10-15 दिन देता हूँ, तो अगली बार जाएंगे कभी, पता तो चल गया ना कि यहाँ है। पर ये भाई अपने उस पर रह के भी आई है जू, शायद 3D थिएटर ऐसे तो उनसे लो ना जो आउट ऑफ स्टेट से आ रहे। क्यों टूरिस्ट, हम टूरिस्ट होना है ये चीज़ देखना चाहता हूँ, जा ही सकते हैं अंदर तो चलो शायद भी क्या जा सकते हैं, ना कुछ वो लिखा है ना कुछ लिखा। चलो यहाँ जब गाइस हम आए थे वो एनिमल्स देखने, और मेन एनिमल्स हमारे को इधर जंगल में दिखेगा। जू के अंदर क्या देखना है, वो तो शरीफ से होते गाइस। ये देखो ये असली वो वाले जो खूंखार शिलोन बाग 8 किलोमीटर, और ये कहाँ पड़ा शिलोन बाग 8 किलोमीटर। देखो गाइस ये टूरिस्ट वगैरह आके गंद डालते, ये ना डालो जो अभी तो मेरा आउट ऑफ स्टेट से देख रहा है। ये गंद डाली ना तो यहाँ CCTV भी लगी, वो जो आप लोगों को दिखती नहीं है ये पार्क है शायद। हाँ यहाँ चलो ऊपर तक देखते कुछ, ये गंद ना डालो यार, ये प्लास्टिक वगैरह ना, नॉट इंटरेस्ट गाइस, हम सब गंद कर देते यहाँ आके। ये मुर्गावा शवार नहीं, आगे खुला है नहीं है, ऊपर चलो ऊपर भी कुछ नहीं है। आओ तो सही, ये अजय भाई जैसे इंसान आके ये गंद डाल रहे, और ये मत डालो गाइस। और यहाँ से बाहर जा सकते हैं यार, कैसे बंदे आप यहाँ से आगे कुछ नहीं है जंगल गाइस, जंगल है। और यहाँ से नीचे दिखा दो, ओह लवली फॉरेस्ट यू कैन सी। और इधर को दिखा दो, और क्या दिखाओ इधर को भाई, मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो गया गाइस, उसके लिए सॉरी यार, उसके लिए मेरे को खर्चा करना पड़ेगा पहले। और इधर को कुछ नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत है कि गंद नहीं है, पब्लिक ने डाली हुई तो वो मेरे को अच्छा लगा। तो इधर ये ना डालो यार गंद, व्हाट अ वंडरफुल यार, देखो यही तो मेन है हमारे को ये, वाह यार बैठ सकते इधर ये कैंसी। और आगे तक जाएंगे, अभी बने रहो व्लॉग में। जू तो हम जान ही नहीं गाइस, हमारे पास एंट्री फीस ही नहीं है, पर कभी और जाएंगे बने रहना, देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ देखो बढ़िया सा है ना, तो आगे आ गया गाइस। मेरे को ये नहीं पता कि हमारे को यहाँ पर जाना अलाउड है या नहीं है। अलाउड है पूछिए शायद, पूछो अंकल जी वहाँ जा सकते हैं, हम अलग टूरिस्ट ही हम भाई। मैंने तो देख रखी है यार, ये बर्फ क्या है भाई, नारकंडा चलो मैं बोल तो रहा हूँ आप चल कल पहुँच जाएंगे। स्केटिंग है ना, हाँ यही तो है स्केटिंग। ये ऐसे होता है, चलो आ जाओ। अरे कुछ नहीं होता यार, डर क्यों यार, नहीं डरते नहीं, ऐसे होता है यार। आपको बड़े शौक है बच्चों के, ये तो बर्फ बहुत कम है यार, इसमें थोड़ा होता है। अरे यार इससे ज्यादा है, बेस्ट नारकंडा भाई, बहुत कम यार, दैट्स व्हाई पहनते हैं ताकि वो इससे ऐसा ना हो। और देखो गाइस इससे स्लाइडिंग बस इतना पॉइंट है, ये जो अंदर है ये मतलब नॉट अलाउड टू होना पॉइंट, इनकी होनी है स्काइडिंग की जो है। देखो इस ये जो जूते ना इससे फिसल के आते हो, डंडे से रखते ये। हाँ अब मेरे को जहाँ तक मेरे को लगता है पता, बाकी पता नहीं।
हाँ यार अंदर सुन रहा है कोई आके चक्की, मैं आ गया अभी चक्की ले जाऊँ तब है बाहर से तो घूम सकते हैं यहाँ से बहुत है यार। बताओ कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए ऑन एवरेज जितना डूब सकते तब फिसलता है, जितना कम बर्फ उतना कम फिसलता है। हम थोड़ा करने आए, हम तो देखना है भाई, हम देख के फील ले लेते हैं। यहाँ की नूबड़ी आए दो खड़ी एंड चलो देखो इस साइड देखो बर्फ नहीं गई, ये देखो ये इंडिया ये पाकिस्तान, तो देख लो इंडिया में बर्फ़ पड़ रही है तो पाकिस्तान में बर्फ़ नहीं पड़ रही, तो ऐसे होता है बस। और क्या देखना है, अगर शौक है तो बैठ लो ट्यूब पे फिर। यही होता है नहीं ऐसा तो तब सारे आते ऐसा नहीं बाबे, ऐसा नहीं है बाबे। आगे कुछ नहीं है यार, आई डोंट थिंक कुछ होगा आगे, हो सकता है एवरीथिंग इज पॉसिबल यार, पर यहाँ रोड बहुत खराब है ना। वापिस हो गया हम गाइस, यहाँ से आगे पता नहीं होगा कुछ नहीं होगा, आज गए नहीं आज जा नहीं पाए हम, फिर कभी जाएंगे फ्यूचर में। तो यहाँ से अब देख सकते हैं जाली के बाहर से देखो अंदर पब्लिक है, ये जू का एरिया हम जा नहीं सकते, नॉट अलाउड इट फॉर फ्री में, हम कुछ नहीं कर सकते गाइस। देखो आगे तो कुछ दिख नहीं रहा यार यहाँ पर, यहाँ से बाहर से देख रहे हम, बाहर से मज़ा ले रहे हैं। अंदर गए ना हम, किसी के अंदर गए हम, बस सड़क से, सड़क से जितना मैंने दिखा सका दिखाया, आगे दिखाऊंगा मैं आपको हॉर्सेस, वही उसी में ही मजा करूंगा गाइस इसमें। और हम अंदर कहीं नहीं गए यार हम, क्योंकि वो लेके नहीं आए थे पैसे और हमारे पास है भी नहीं अभी, तो आगे चलो बने रहो व्लॉग में। बहुत मार्केट वापसी में, और यहाँ रहती है पॉपुलेशन ही ज़्यादा भाई, यहाँ तो ढाबे ढूबे इधर साइड में, और यहाँ आगे हॉर्स राइडिंग भी है अभी है नहीं हॉर्स, हाँ बाकी पता नहीं ऐसा कुछ सीन है। एंड मैंने जाते बार शूट नहीं किया था, जाते बार थे गाड़ियाँ चलती, अभी गाड़ियाँ नहीं चलती ना, चलते थे पर उतनी नहीं, फिर क्या फ़ायदा, गाड़ी की आवाज़ आएगी मेरी आवाज़ आएगी नहीं। इधर चलो, एक किधर चल रहे यार, बीचों बीच चल रहे हैं भाई, मैं आपको कैसा लग रहा है सूट पहन के, ओ सॉरी कंबूट पहन के यानी बता सकते हैं आप लोग हैं, साइड नहीं हटते भाई हम, यही तो हमारी खूबसूरत खासियत है, सॉरी खूबसूरत वाली मिली है जी भाई को आज। यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको घोड़े कितने सारे, अभी देखा भाई मैंने नंबर नोट कर दिया है, आप बस फ़ोन लगा दो बंदे को। देखो ये कुछ मार्केट है, अंदर अंदर नॉट अलाउड, अंदर क्यों होगा अलाउड है भाई। अजय भाई मैं एक चीज़ बोलूँ, मैं आपको एक चीज़, इनका पुलिस वालों को घाटा क्या है, टूरिस्ट बढ़ जाएगा ना, इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है ना, अगर टूरिस्ट नहीं बढ़ेगा चुपचाप से बैठे रहो, हाँ वही तो बोल रहा हूँ। वो यहाँ ऐसे मार्केट तो क्या है, देखो एडवेंचर वगैरह इधर जिप लाइन सिंगल जिप लाइन वगैरह पता नहीं क्या क्या लाना लाना फलाना डिंगा हैं। ये बर्फ़ नहीं गाइस बहुत कम, यहाँ अपने कल्चर के अलावा भी अलग आए यहाँ थोड़े, आपको मैं देखो गाइस 200 रुपये वो कौन से वाले लेने हैं आपने, आप ले सकते दो दो 10 रुपये का नहीं 200 रुपये रखे गाइस, चाहे यहाँ ब्रांड का होना चाहे विदाउट ब्रांड होना पर लगेगा 200 रुपये। और तो देखो इधर साइड में टैक्सियाँ वगैरह लगी है एंड और क्या बताऊँ, और तो बने रहो आगे देखो फिर ब्लॉक को भी करते हैं गाइस, और कुछ तो देखा नहीं बस सड़कों भी घूमे, और यहाँ से हॉर्स दिखाते आ जाओ यार नीचे, अभी तो यहाँ यार अरे ऊपर है इधर तो आओ सही पता है है। मेरे को ही तो पता, ये देखो भाई इनको लगते बेचारे को इधर यार परले तक यहाँ पे यार इनको रखते हैं यहीं पे, और यहाँ से जो जिन बुकिंग होगी फिर शायद यहाँ से एक के ऊपर दो दो तीन दिन बिठा देते हैं। घोड़ा नंबर 402 तो मेरा है, ये छोटा जैसा तो मेरा है, ये देखो इसमें गंदी स्मेल आ रही है यार बाई बोर्ड है यार इन भी होता है, यहाँ मेन आपको कुफरी पे ही देखने को मिलेंगे। एंड और ना हम कहीं जू के गाइस ना कुछ, बस हम रोड पे घूमें शायद, और अब नीचे पेंगे गाइस हम कुफरी पहुँच के,
जो नीचे का बाजार है। बताओ ब्रेड पकौड़े बनाने रूम पे है? ये ब्रेड पकौड़े बनाने बोलो आ तो शाम को बस चाय ले जाओ फिर मंगा दो शाम को 150 रुपये आप। हेलो अच्छा सच बोल रहा हूँ यार बनाते शाम को यार अलग ही मज़े भाई 6-6 7-7 खा लेते अकेले बंदे में। देखो गाइस ये टूरिस्ट वगैरह कुत्ते को मार रहे इनको इनके ऊपर चलान होया जाए और ये देखो खुले में कुबेर गुटका बना रहे और देखो यहाँ से होती है हॉर्स राइडिंग गाइस ऊपर को और ऊपर क्या है वो मेरे को नहीं पता और पर ऊपर चलना इम्पॉसिबल ही है गाइस। देखो आप इम्पॉसिबल ही कि चल सकते ऊपर हम मेरे को लगता चल पाएंगे। ये देखो सारे आउट भाई ये हिमाचल के हैं नहीं बंदे ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री के आउट ऑफ स्टेट के बाबे सर ये देखो भाई यहाँ ना चलना तो इम्पॉसिबल ही पैदल तभी ये गम्बूट पहनाया जाता है इन टूरिस्ट वगैरह को और इनको ये वो क्या नाम है दूसरे को यहाँ से गंदी स्मेल है गाइस हर कुछ है। देखो ऊपर को पता नहीं क्या है वी डोंट नो जो भी ऊपर को पर यहाँ से घोड़े पे बैठ के जाते हैं देखो जैसे बैठ रहे एक ही के ऊपर 2-2 3-3 बिठा देते हैं वहाँ नहीं है। हाँ दो तो बैठते ही मैक्सिमम जहाँ तक मेरे को लगता है और इधर कुछ शॉप्स लगी है यू कैन सी ये शॉप्स है एंड तो यही है फाइनल मार्केट है हो गया एंड और हमने कुछ अंदर ही नहीं गया कुछ भी नहीं था यार यार कुछ नहीं था तो बस हो गया मार्केट का। तो गाइस अगर आप लोगों ने देखा कुछ तो इसमें घोड़े दिखे बस और ज़्यादा कुछ नहीं दिखा और ये देखिए भाई और एक रिबाइन जॉब जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक है पर तब भी बंदे पीते हैं वो जस्ट फॉर फन और वो रहा मेन रोड जो नारकंडा के लिए जा रहा है गाइस और ये रहा पार का व्यू यू कैन सी देखो ये रहा व्यू और देखो असली ये होती है कल्चर देखो नीचे बैठे हैं और ये रहा पार का व्यू ये देखो देखो ये इसमें ही असली मज़ा आएगा इस और ये देखो पुलिस वाले रिस्पेक्ट है भाई इनके लिए इनको इनकी इनको मेरी तरफ से क्योंकि भाई ये कम से कम 7-8 घंटा तो खड़े रहने पड़ते गाइस तो रिस्पेक्ट फॉर द पुलिस एंड फॉर द आर्मी ऑफिसर्स वी ऑलवेज रिस्पेक्ट। आई होप गाइस यू एंजॉय द व्लॉग एंड तो हम ना अंदर गए ना कहीं जू गए ना कुछ हमारे को पता भी लगा हमारे पास पैसे नहीं थे गाइस आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड तो बाहर से मैंने जितना दिखाया वो अगली बार आऊँगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा गाइस। तो आज के लिए ब्लॉग भी लंबा हो गया तो ब्लॉग को करते हैं एंड आई होप यू एंजॉय द ब्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता तो रिमेंबर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड ऑल्सो। तो मिलते अगले ब्लॉग में गाइस किसी नए टॉपिक के साथ नए ब्लॉग में तब तक के लिए। तो गाइस हमने इसको ले दिया खा लिया तो पेप्सी दिया देखो कैसे पिएगा शायद अगर आए ना डर तो जो भी है कंटिन्यूसली चलते हैं। ये देखो आया गाइस अब देखना कैसे पिएगा बाकी पता नहीं अगर गिरा दे अलग बात है पर ले गया पी लेता है पी ले भाई सिप मारती है भी मैं इसको पहले देखना वो लगेगा पहले देख पूरा चबा रहा मुंह से भाई अब खाएगा देखो सूंघ लिया बंदे को पता है नहीं 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 गिरेगा रे ओए यार अरे ऊपर होकर ना कोई बंदर तो कर देते थे क्या है इसको अकल नहीं है शहर पे रह गए ले ओए यार बंदर क्या बंदर ही रह गया सारा गिरा दिया